वेलकम बच्चों। सो जैसे कि आप सबको मालूम है कि 2-3 दिन से हमारे वीडियोस आए नहीं, उसके लिए तो एक अलग सा कारण है कि कुछ ऑफिशियल जो फॉर्मेलिटीज़ होती है और स्पेशली 11th क्लास के लिए, तो उसके चलते नहीं आई। और कुछ इस कारण भी नहीं है जिसका कारण आपको खुद मालूम है, ठीक है। दूसरी बात, अभी जो पहले हमारे पास 3 से 4 महीने से हम जो हमारे वीडियोस के थ्रू हमारे जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे यूट्यूब पर, और उसके चलते हमारे कुछ टॉपिक्स भी कंप्लीट हुए, पॉसिबली 1-2 चैप्टर्स भी हमारे कंप्लीट हुए हैं और आगे वो चलते भी रहने वाला है। क्योंकि जब तक कि यहाँ पर फिजिकल क्लासेस इन द सेंस क्लास पे आपका आना यहाँ पे शुरू नहीं होता, ठीक है, हमारे आपसे अच्छी बातचीत नहीं होती, ठीक है, तो वो मज़ा अलग ही होता है, वो मज़ा तब तक नहीं आने वाला है, ठीक है। लेकिन वो जब भी हो, पॉसिबली हो सकता है 1 महीने बाद 2 महीने बाद जब भी हो। और क्योंकि जैसे कि हमारे पास ये जो लॉकडाउन का सीज़न चल रहा बोलो, ठीक है, स्पेशली इंस्टीट्यूट जो होती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, उसके लिए क्योंकि अभी भी उसके लिए अनलॉक हुआ नहीं। अब सरकार की तरफ से जो भी चीज़ें आती है, प्रशासन की तरफ से जो भी चीज़ें आती है कि इस समय चालू होगा, उस समय चालू होगा, वो तब की तब बात है। और जब प्रैक्टिकली चालू होंगे तो हम यहाँ पर क्लासेस लेने भी वाले हैं। लेकिन तब तक हमारे और भी जो क्लासेस हैं सभी विषय के, जैसे हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, ये सभी चीज़ें रुकी हुई नहीं है, ठीक है। आज जितने भी विद्यार्थी, बहुत कम विद्यार्थी के पास ये वीडियो पहुंचने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी हमने जो हमारा पहले जो ग्रुप था, व्हाट्सएप ग्रुप था, जिसपे हमने 4 महीने तक आपको क्या किया कि वीडियोस की लिंक्स आपको भेजी, टेस्ट पेपर्स आपके लेते थे, डाउट सेशंस, ठीक है, कंप्लीट करते थे। डाउट सेशन के लिए आप में से बहुत कम बच्चों के डाउट्स आए, लेकिन 11th वालों के तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और उसका एकदम सिस्टमेटिक हम चला भी रहे। मैं थोड़ी देर के बाद में स्पेशली डाउट सेशन के बारे में बोलने भी वाला हूँ, ठीक है। सो वो चीज़ आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है। तो जो भी चीज़ें हैं कि वो पूरे के पूरे हमारे यहाँ पर चालू थी और चालू है और फ्यूचर में भी चालू रहने वाली है, लेकिन कुछ कारणवश, जो कारण आपको मालूम है, उसके कारण हमको एक नया व्हाट्सएप ग्रुप बनाना पड़ा, और उसमें उन कुछ विद्यार्थी को ही उसमें एंट्री है, ठीक है, जिसमें थोड़ा फीस के संबंध में जो भी इश्यूज है वो इश्यूज सॉर्ट आउट हुए हैं, तो ठीक है। और इसीलिए जो हमारी बैच पहले बहुत बड़ी बैच थी, यानी 90+ की बैच थी, आज वो करीबन 30 के आसपास बैच है, ठीक है। उसके लिए कोई हरकत नहीं, जो भी हमारी तरफ से चीज़ें चल रही है, हमने बार बार आपको उसके संबंध में इंटीमेशन, प्री इंटीमेशन दी हुई है, कॉल्स किए हुए, आपको मैसेजेस किए हुए, और उसमें से जो भी स्टूडेंट रियल में चाहते कि हमारी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, उसके लिए उन्होंने जो फॉर्मेलिटीज़ है वो पूर्ण की भी है, और उन्हीं का ही अब उसमें हमने उनको ही क्या किया कि एडमिशन या फिर उनको ऐड किया है उस नए व्हाट्सएप ग्रुप में। और वहाँ पर स्पेशली मैथमेटिक्स और फिजिक्स के जो वीडियोज़ है वो प्राइवेट में आ रहे हैं या फिर आने वाले हैं। प्राइवेट में इन द सेंस कि वो आपको, इवन तो अपने चैनल को सब्सक्राइब किया है, नहीं किया है कोई बात नहीं, लेकिन वो आपको YouTube पे रहेगा तो सही, लेकिन आपको दिखेगा तब ही जब हम आपको लिंक्स के द्वारा भेजेंगे, ठीक है। सो अगर ये बाकी बच्चों को भी आप प्लीज़ बताइए कि उनका सिलेबस रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि उनको, यानी कुछ लड़कों को माइंड में ये है कि हमारा 25% सिलेबस कम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, हमारी एग्ज़ाम पोस्टपोन भी होने वाली है। बच्चों, ये सभी चीज़ें सही है और जो भी है वास्तविक यही है, ठीक है। लेकिन बात क्या है कि जो सिलेबस आप इस साल पढ़ने वाले हो, क्या वो सिलेबस आपको अगले साल पढ़ाया जाएगा? तो आंसर आएगा नहीं। आपकी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकती है, आपका ये पैंडेमिक आने के कारण, महामारी आने के कारण आपका सिलेबस 25% कम किया होगा, वो भी ओके है, लेकिन इस साल आपको जो पढ़ना है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से सीधे निर्देश, शायद आपको भी मालूम है, आपको ऑनलाइन में काम चलाना है, ठीक है, और आपको सेल्फ स्टडी में काम चलाना है, उसके चलते आपके कॉलेज बोलो, क्लासेस बोलो, या फिर आपका खुद का स्टडी, जो भी है वो आपको करना ही है, एग्ज़ाम होगी ही, ठीक है। लेकिन 2 मिनट के लिए ये बात छोड़ भी दो कि सिर्फ क्या हम एग्ज़ाम के लिए पढ़ने वाले, एग्ज़ाम के लिए ही अगर पढ़ने वाले, तो मैं कहूँगा आप थोड़े रॉन्ग ट्रैक पर हो, ठीक है। इस साल का जो नॉलेज है, इस क्लास का जो नॉलेज है, वो नॉलेज पॉसिबली आप अगले साल रिपीट नहीं करेंगे, कोई आपके लिए रिपीट नहीं करने वाला है। तो मैं यही कहूँगा कि जो भी बच्चों ने अभी तक ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज़ पूर्ण नहीं की है रिगार्डिंग फ़ीस, रिगार्डिंग बाकी चीज़ें जो भी है, उनको कहिए कि प्लीज़ करिए, ठीक है। हम आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहे हैं फीस के संबंध में, ये बात नहीं है,
लेकिन बात क्या है कि 3 से 4 महीने हो जाने के बाद, बार बार कॉल्स आने के बाद, बार बार मैसेजेस आने के बाद में भी अगर आपकी तरफ से वो रिस्पांस नहीं मिला, इसलिए हमको नया ग्रुप बनाना पड़ा, नए ग्रुप में प्राइवेट में वीडियोस आपको देने पड़ रहे हैं, नहीं तो ये नौबत वैसे भी नहीं आती। ठीक है बच्चों, जो हालात आए हैं, जो हालात सबके ऊपर है, वो हालात हम सभी पे है। अगर आपके ऊपर वो कंडीशंस आई है तो कंडीशंस हम पे भी आई है। ठीक है, बस थोड़ा फ़र्क है कि हमको यहाँ पे बहुत सारे लोगों को साथ में लेकर चलना पड़ता है, इसलिए कुछ चीज़ें चाहकर या फिर ना चाहकर मन में नहीं रहता, फिर भी थोड़ी स्ट्रिक करनी पड़ती है, उसके लिए सॉरी भी। लेकिन सिर्फ सॉरी से काम नहीं चलता है, ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज़ पूर्ण करके ही आपको इसमें, इस ग्रुप में जो बच्चे नहीं है अभी पढ़ रहे, आप उनको अगर बताते हो तो उनको उसमें एडमिशन तभी मिलने वाला है जब ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज़ पूर्ण होने वाली। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी चीज़ें रुकी हुई नहीं है। आज तो वैसे हम पढ़ने वाले नहीं है, थोड़ा सा मुझे आपसे बातचीत भी करनी थी। बहुत बार सोचा था कि आपसे वो मैसेज के द्वारा, जैसे लास्ट टाइम हमने 2-3 बार किया था व्हाट्सएप पे मैसेज के द्वारा आपसे कम्युनिकेशन करने के, लेकिन होता क्या, उसमें सिर्फ 5-6 बच्चे एक्टिव रहते हैं, बाकी बच्चे एक्टिव नहीं रहते। ठीक है, इवन उनको तो कोई लेन देन ही नहीं है ऐसा नज़र में आता। ठीक है, ये थोड़ा सा अंदर का फ्रस्ट्रेशन है जो आज बाहर आ रहा है, थोड़ा सा सुन लो आप इस बात को, आपके भले के लिए है। आप चाहे हमारे वीडियोस देखो ना देखो अलग बात है, कॉलेज में चालू हो ना हो अलग बात है, लेकिन बच्चों आपको आपका कम से कम सेल्फ स्टडी तो भी करते रहना है, क्योंकि आप अगर नहीं करेंगे तो नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका है। हम आपके लिए काम करेंगे, लेकिन हमने बहुत बार देखा, जब हमने नया व्हाट्सएप ग्रुप नहीं था, पुराना एक ही व्हाट्सएप ग्रुप था, सभी बच्चों को वीडियोस मिल रहे थे, 4-4.5 महीने तक मिले, फिर भी हमने ये भी देखा बहुत सारे बच्चे, उनके घर में सब फैसिलिटीज़ है, लैपटॉप है, मोबाइल्स है, सब चीज़ें हैं, फिर भी वो कभी ना वीडियो देखे उन्होंने ना कुछ किया, ऐसा भी हुआ है। ठीक है, और आप ही में से वो बच्चे हैं, नाम लेना अच्छा नहीं रहेगा इसलिए नाम नहीं लूँगा यहाँ पर, लेकिन बहुत सारे बच्चे, उनको बाकी हर चीज़ के लिए समय मिलता, बाकी हर चीज़ के लिए फैसिलिटी मिलती, लेकिन पढ़ाई के लिए वो वैसे भी नहीं करते, तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ेगा 2-3 साल के बाद में, जब इस साल का नॉलेज आपके पास नहीं रहेगा, फ्यूचर में आप कहीं पे भी कुछ करना चाहेंगे, जॉब के संबंध में खुद का कुछ सेटअप करना चाहेंगे, अरे नॉलेज होगा तो काम करेंगे ना भाई, जब नॉलेज ही नहीं तो ये सब काम करना पॉसिबल नहीं होता। इसलिए जिस क्लास का नॉलेज है उस क्लास में ले लो आप। एग्ज़ाम एक अलग कंसेप्ट है, वो सिर्फ ग्रेड तय करती है, स्कोर तय करता है, कौन किसके आगे कौन किसके पीछे है, हमें किसी अपर क्लास में एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा, सिर्फ इतना तय होता है हमारे एग्ज़ाम के द्वारा। लेकिन रियल में नॉलेज अगर है, आप उसका रियल में इस्तेमाल करेंगे, तो आप जीवन में कभी पीछे नहीं आते और आगे सक्सीड होते रहते। ठीक है, तो मैं इतना ही कहूँगा आपसे कि प्लीज़ जो भी जरिया चल रहा है, जो भी मीडियम, जो भी माध्यम चल रहा है, चाहे आपका फिजिकल क्लासेस चालू हो ना हो, चाहे आपका ऑनलाइन क्लासेस अभी चालू है तो उसके द्वारा करो, सेल्फ स्टडी द्वारा करो। ठीक है, आपस में व्हाट्सएप ग्रुप पे कभी फ़ोन से एक दूसरे से डिस्कशन से करो, हमसे डिस्कशन से करो, लेकिन इस क्लास का नॉलेज आप लो। ठीक है, प्लीज़ ब्रेक मत करो। दूसरी एक बात जो मैंने कही थी कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके जो डाउट्स होते हैं, ठीक है, 11 क्लास के लिए हमने थोड़ा सिस्टमेटिक करके रखा है ऑलरेडी, जैसे कि आप यहाँ पर जो भी डाउट्स होते हैं आप यहाँ पे देख रहे हो, बच्चे हमें कॉल करते हैं कि सर हमको ये डाउट है, क्लास है, क्लास लिखा है, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है, उसके बाद में किस में डाउट है वो वगैरह है, कौन से टीचर आपका वो डाउट क्लियर करेंगे वो भी है। और फिर क्योंकि यहाँ पे होता क्या कि उसी समय डाउट क्लियर हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन दूसरे दिन आपको खुद हम फ़ोन करते हैं, ठीक है, कि आपका ये डाउट था, ये डाउट क्लियर करो। उसके लिए आपके पास 2-3 रास्ते हैं, एक तो आप हमें मैसेज करके बताओ कि सर ये डाउट है, या फिर आप फ़ोन करके बताओ कि ये डाउट है, ठीक है, या फिर आप पर्सनली भी थोड़ा सेफ्टी मेजर्स के साथ में अगर आप यहाँ पर आते हो 5-10 मिनट के लिए, वहाँ पर भी आपके डाउट्स क्लियर होते हैं। ठीक है, और कुछ अगर नए प्रॉब्लम्स अगर है, ठीक है, नए प्रॉब्लम्स जो हमने नहीं पढ़ाए लेकिन आप घर में कर रहे होंगे, ठीक है, तो वो नए प्रॉब्लम्स में अगर आपको डाउट्स आते हैं और वो अगर पूछते हैं तो हम उसको खुद वीडियो के जरिए ही देते, वो इसलिए क्योंकि एक बच्चे ने भी अगर पूछ लिया तो उसका फ़ायदा बाकी बच्चों को हो जाता, इसलिए। ठीक है, सो जो भी है तो आप डाउट सेशन के लिए हमें कॉल कर सकते हो। ठीक है, डाउट हम लिख के रखते हैं और जो जो टीचर के डाउट्स हैं उन टीचर को बताकर उन टाइम में आपको वापस फ़ोन करके, मैसेज करके या फिर वीडियो के ज़रिए
आपके डाउट्स क्लियर भी होते हैं, यानी आपके डाउट भी क्लियर हो रहे हैं, आपके यहाँ पर टीचिंग जो पढ़ाना है वो भी चल रहा है। हर मंडे को टेस्ट होती है, टेस्ट में से भी बहुत सारे बच्चे, बहुत कम बच्चे उसमें टेस्ट देते हैं, ये भी मत करो आप। टेस्ट का मतलब इसलिए नहीं, जैसे हम एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, टेस्ट की बात नहीं, लेकिन हमारा कितना पक्का हो रहा नहीं हो रहा, हमें नॉलेज मिल रहा नहीं मिल रहा, ये संबंध में भी चल रहा हमारा। यानी हर चीज़ टीचिंग का, डाउट क्लियर करने का, उसके बाद में टेस्ट का, सब चीज़ें तो यहाँ पर चल रही है। फिर आप दूर दूर क्यों भाग रहे हैं, या फिर आप में से कुछ बच्चे क्यों दूर दूर भाग रहे हैं, कि उन्होंने क्यों ऐसी ठान ली कि हमको करना ही नहीं है, उन्होंने क्यों ऐसा ठान लिया तो चलो नहीं, अगर क्लास किए तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है। फ़र्क बेटा आज नहीं पड़ने वाला है, फ़र्क पड़ेगा कुछ 2-4 सालों के बाद में, जब हमको इस बात का नॉलेज नहीं रहेगा, इस साल का, इस क्लास का नॉलेज नहीं रहेगा, और हम ये सब नहीं चाहते। आपका लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो आप प्लीज़ इन सब बातों को समझिए। और प्लीज़, आज तो वैसे हमारे मैथमेटिक्स और फिजिक्स की वीडियोस आने वाले नहीं, लेकिन कल से हमारा जहाँ से रुका था वहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं, और पूरी की पूरी चीज़ें फिर से मिलने जा रही है। अब जिन बच्चों को वो चाहिए ही है तो उन्होंने उस ग्रुप में आना चाहिए, उसके लिए ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज़ पूर्ण करनी चाहिए, फिर वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है? ऑफिशियल फॉर्मेलिटी भी कौन सी है? मैंने कहा ना आपसे, मैं आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं दूंगा इस बात के लिए, लेकिन आपकी जो भी मंथली फ़ीस है, वो मंथली फ़ीस भी आपने अगर वक्त पर पे की तो हमें भी लगता है कि हम भी कुछ कर रहे हैं, मुझे मेरे स्टाफ को चलाना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, वो ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ सकते हो। तो प्लीज़ उस ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज़ को पूर्ण करिए और अपनी पढ़ाई जो भी उसको चालू रखिए, ऑनलाइन में भी चालू रखे, पॉसिबली आपके कॉलेज में भी चालू हो चुका है कुछ दिनों से, और सेल्फ स्टडी भी बहुत सारी करें, क्योंकि आपको बहुत सारा समय अब मिला है, ना कॉलेज है ना क्लास है, ठीक है? पूरा का पूरा समय आपका है, तो इस समय का अगर आपने सही में फ़ायदा उठाया, हमारे से आगे 2 कदम आप रह सकते हो, ठीक है? सो प्लीज़ बच्चों, बाकी और कुछ कहना नहीं है आज के इसमें वीडियो में, बाकी कल से हम हमारे मैथ्स का, फिजिक्स का जहाँ से रुका था वहाँ से शुरू करने वाले, ठीक है बच्चों? तो अभी के लिए बस इतने 2 शब्द, बाकी फिर हम कंटिन्यू तो करती है वैसे। टिल देन, बाय।